की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा इंकलाब के नारों से। गोबर पार्टी है सबसे पहले तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। ये और आपसे भी ज्यादा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं, मैं उनको अपनी तरफ से शाबाशी भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मुझे माफ करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू विश्वविद्यालय के लोग अलग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक एक ईंट उन लोगों के पैसे से बनी है, दान के पैसे से बनी है, जो इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के पैसे से नहीं बना, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में शाह और तानाशाह का शासन है, जिन्होंने कभी विश्वविद्यालय नहीं देखा वो इस देश के विश्वविद्यालय के बारे में। और मेरा गुस्सा, मेरी तकलीफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री है बल्कि नरेंद्र मोदी काशी से सांसद है। दो दिन तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बच्चियां सड़क पर बैठी रही। नरेंद्र मोदी सांसद काशी, प्रधानमंत्री भारत 3 किलोमीटर की दूरी पर रुके रहे, उनका रास्ता वहां से बदला गया, लेकिन उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि खुद जाए या किसी दूत को भेज दे कि हमारी बच्चियां क्यों तक। हर महीने बात आपको करनी है, लेकिन उन बच्चियों की बात भी तो आप सुन लेते कर। और क्या मांग रही थी बच्चियां? बच्चियां मांग रही थी कि जो अंधेरा रास्ता है इसमें कुछ लाइट लग जाए, हमारी थोड़ी सुरक्षा हो जाए। हम लोगों के समय जब लड़ाई लड़ते थे तो ये मांग नहीं थी। और वाइस चांसलर को हम क्या कर। मित्रों, आप जो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये समझ जाओ, ये जो हाफ पेंटी लोग हैं, ये लोग इस देश की जितनी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं इन सारे शिक्षण संस्थाओं को अपमानित करना चाहते। ये संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, ये वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले लोग लड़के और लड़कियों के स्वाभाविक रिश्ते को समझ ही नहीं सकते, इनका दिमाग नहीं। और ये वजह है कि वहां का छात्र संघ तोड़ा गया, और छात्र संघ अगर होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। यहाँ भी आनंद प्रधान जी बोल रहे थे, इसके पहले भी एक अमरचंद जोशी बहुत पहले हुए थे, उनके समय भी आरएसएस का इसी तरह तांडव हुआ था, और उसी समय भी इस तरह की रेप की घटना हुई। नहीं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं सुनी। लेकिन दुर्भाग्य इतना ही नहीं, जिस तरीके से 2 दिन बैठने के बाद प्रधानमंत्री जी काशी से रवाना होते हैं, उसके 4-5-6 घंटे बाद लाठियों से पूरी तरीके से छात्राओं को पीटा जाता है। और छात्र नहीं,
ये जो पत्रकार खड़े हैं, ये कैमरा ले लेके जरा पूछना अभिषेक श्रीवास्तव टीवी चैनल का है, उसको 40-50 लाठियां लगी, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, और वो उसको बुला के मारा इधर आओ, दिखा रहा है हमारा कार्ड। तीन दिन NDTV के समाचार प्लस के कई जर्नलिस्ट हैं जिनको मारा गया, लेकिन वह रे पत्रकारिता दिल्ली में हमने नहीं सुना कि एक भी पत्रकार जगत का आदमी निकल के जाए। जो अस्पताल में भर्ती थे उनकी देख रेख करने वाले लोग वो जा रहे थे तो उनको पिटाई की जा रही। रात को 11 बजे 12 बजे महिला छात्रावास में पुलिस घुस के न सिर्फ अभद्रता कर रही है बल्कि मारपीट करने का काम, लाठियों से पीटने का काम कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है? अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग को सामने आना चाहिए और अपना जांच दल भेज के ये तय करना चाहिए कि किन लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, लड़कियों के साथ अभद्रता की है, कौन है। और आज कहा जा रहा है कि हम वाइस चांसलर को बुला रहे हैं, उनको मालूम नहीं आप लोग हम लोग छोड़ चुके थे विश्वविद्यालय। हरि गौतम वाइस चांसलर थे, हम लोग छोड़ चुके थे 85 के बाद की बात, लेकिन मैं गया हुआ था यूनिवर्सिटी, उस समय तक यूनियन का चुनाव होता था। मुझे किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री सर्किट हाउस में आया है, उससे मिलने के लिए BHU का वाइस चांसलर गया। मैंने फोन किया कि मिस्टर हरि गौतम आज तो आप चले गए, अगर राज्य के विश्वविद्यालय किसी मंत्री के मिलने के लिए आज सर्किट हाउस गए तो याद रखना लौट के BHU के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद मिलेंगे। ये था वाइस चांसलर का रूप। और यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं बता दूं एक ऐतिहासिक बात कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कैसे हुआ कर, मेरे पिताजी को मालवी जी महाराज ले गए थे, मेरे पिताजी अंग्रेज राजाओं के जेल में थे जब विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद वाइस चांसलर लॉज में देश का प्रधानमंत्री आचार्य नरेंद्र देव जी से मिलने गया, और ये बात मुझे जो वहां के पुराने मालवीय जी के जमाने के जो चपरासी थे सेवक थे उन्होंने बताई। पानी देने गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे आचार्य नरेंद्र देव से कि आचार्य जी आजाद साहब इस देश की शिक्षा को कुछ संभाल कम पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर नहीं लेकिन आगे आने वाली भारत की पीढ़ी की शिक्षा के लिए आप कुछ दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्रालय संभाल दीजिए, और आचार्य जी हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि नहीं मैं यही पठन पाठन करना चाहता, ये हाइट हुआ करती है। मिस्टर त्रिगुण सेन बहुत दिनों विश्वविद्यालय बंद रहा, इंदिरा जी वो कौन सी कांग्रेस थी, अजय वाली बंगाल में बंगाल कांग्रेस के नेता थे त्रिगुण सेन, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, इंदिरा जी ने उनको BHU का वाइस चांसलर बनाया, और 71-72 के बाद एक दिन फोन किया दिल्ली बुलाया और इस देश का शिक्षा मंत्री बनाने का काम इंदिरा जी ने उस समय किया था, ये हाइट हुआ करती थी। और कल मैं जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का खोखला बयान दे रहा सुन रहा था टीवी पर तो मुझे शर्म आ रही थी कि मेरे विश्वविद्यालय का ये वाइस चांसलर लगातार बातचीत, इसलिए इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से दूर तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं ये एक एक करके पूरे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं इनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहते हैं।
शिक्षा को जो लोग कुछ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके को बढ़ावा देने का काम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ यही लड़ाई नहीं, इस लड़ाई में भी हमको साफ साफ कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को काशी के सांसद के रूप में और वहां मौजूद रहने के कारण जो अपराध किया है उसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। नंबर दो, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है और मैं यहाँ जो बैठी हुई महिलाएं हमारी हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कल घेर ये राष्ट्रीय महिला आयोग को कि देश के अंदर क्या हो रहा है। छात्रावास में रात को 12 बजे घुस के पुलिस लाठियां चला रही है, पीट रही है, कल घेरने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग को आप लोगों को करना चाहिए। और राष्ट्रपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मिनिस्टर होता है और उस मिनिस्टर को भी एक कमेटी बनानी चाहिए या जांच बैठाना चाहिए। ये जो योगी महाराज ने किया है न्यायिक जांच, ये फालतू है, बेकार है। चार एसडीएम या चार सिपाही बदलने का मसला नहीं है, ये शिक्षण संस्थाओं में पुलिस की बर्बरता भविष्य में होगी कि नहीं, ये तय करने का सवाल है। कैसे विश्वविद्यालय में घुसी पुलिस, किसके कहने पर घुसी पुलिस, ये बात भी तय होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं की और छात्रों की लड़ाई में शरीक होने आए हैं, आपको भी हम साधुवाद कहते हैं और ये लड़ाई लंबी चले और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चले, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए चले। और ये जो शाह और तानाशाह की जोड़ी इस मुल्क को बर्बाद कर रही है, इसको समाप्त करने के लिए चले। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सर। अब मैं कभी लेकर पांडे जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपनी बात रखे। माननीय तो पांडे जी और उसके बाद मैं सभी से चाहूंगा कि अपनी बातें